हेलो स्टूडेंट्स, अपन योर ग्रामर बुक, दिस इज योर ग्रामर टाइम। अपन पेज नंबर 15, ओके। दिस इज चैप्टर 2 एंड द टॉपिक इज केस। टुडे यू विल नो अबाउट द केस। देर आर 5 केसेस: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वोकेटिव केस एंड द केस इन अपोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो अबाउट व्हाट इज द नॉमिनेटिव केस। लुक एट द बोर्ड एंड सी द एग्जांपल। प्रीति इज रीडिंग अ बुक। हियर Preeti is a subject and a book is object. So, in a sentence, the noun which play the role of a subject is nominative case and the noun which play a role of object, that is objective case. तो किसी भी sentence में अगर आप देखोगे तो जो noun subject के role play करते हैं that is nominative case, वो nominative case होता है, और जो noun object का role play करते हैं वो objective case होता है। तो आपको नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिफरेंस मालूम चल गया होगा, आप इजीली आप कर सकते हो। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है नाउन तो नॉमिनेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट है नाउन तो ऑब्जेक्टिव केस। नाउ कम टू थर्ड, द पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब है जो रिलेशन शो करता है, जैसे राहुल्स बुक। इसकी पॉजिटिव केस की ये पहचान होती है, इसमें अपोस्ट्रोफ लगा करने के बाद एस लगा होता है। राहुल्स बुक मतलब राहुल की बुक, बुक का रिलेशन राहुल से है, दैट इज पॉजिटिव केस। नेक्स्ट द वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मतलब अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कोई सेंटेंस, जैसे रामू स्टे आउट, तो हियर रामू इज वोकेटिव केस। रामू कौन सा है इसमें? वोकेटिव केस, क्योंकि हम रामू को एड्रेस कर रहे हैं। किसी पर्सन को हम एड्रेस करेंगे तो इसमें दैट इज वोकेटिव केस। नेक्स्ट द केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन मतलब है लुक एट द बोर्ड एग्जाम्पल। मिस्टर शर्मा आवर टीचर टीचर्स। केस इन अपोजिशन मतलब मिस्टर शर्मा, इसमें नाम भी दिया हुआ है और उनका उनकी पोजीशन भी दी हुई है, मिस्टर शर्मा जो कि हमारे टीचर हैं, तो ये केस इन अपोजिशन माना जाएगा, ठीक है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केसेस जो आप इसमें एग्जांपल भी इसमें दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप इसमें पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक है। पेज नंबर 16 पर 5 टाइप्स ऑफ केसेस दिए हुए हैं, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने हैं। इसके बाद टेस्टिंग टाइम पर आ जाएगी पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट द केस ऑफ ईच नाउन एंड प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें नाउन और प्रोनाउन भी हैं, तो आपको दोनों का टाइप ऑफ केसेस लिखने हैं, कौन सा नाउन कौन किस टाइप का केस है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कबीर प्रेजेंटेड कविता अ बुक। ये सेंटेंस आपका कबीर प्रेजेंटेड कविता अ बुक। हियर कबीर इज नाउन, पहले नाउन फाइंड आउट करेंगे, नाउन उसमें कौन से हैं, तो सेंटेंस में कबीर नाउन है और कविता नाउन है और बुक नाउन है, ठीक है। तो इसमें कवि सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो दैट इज नॉमिनेटिव केस। कविता ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। एंड बुक ऑल्सो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। सेकेंड सेंटेंस बता देती हूँ, दे ब्रॉट अस ग्लोरी। तो इसमें आप बताइए इसमें नाउन कौन कौन से, इसमें नाउन है आपका दे एंड ग्लोरी, ठीक है। तो दे इज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट सो इट इज नॉमिनेटिव केस, एंड ग्लोरी इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट इज द ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज पेज नंबर 17 करना है, इसी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी पेज नंबर 18। इसमें आपको गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ पॉजिटिव केस। मैंने आपको पॉजिटिव केस बताया, उसमें अपोस्ट्रोफ लगाते हैं बस, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है राजूस बेल्ट हर पेन, ठीक है, एंड ड्यूटी कॉल, तो इस तरह से अपोस्ट्रोफ लगा के आप बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे मैंने आप बता देती हूँ गीतास बैग, माई ड्रेस, अ वीक्स लीव, राहुल्स मदर, इंडियाज फ्लैग, इस तरह से रिलेशन जो शो करते हैं वो आपको इस तरह से आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में गिव एग्जांपल्स शोइंग द यूज ऑफ डिफरेंट केसेस एंड प्लेस ऑफ योर ऑन। द नॉमिनेटिव एंड द ऑब्जेक्टिव केस शो होने चाहिए सेंटेंस में, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस शो होने चाहिए। इस तरह से आपको 4 टाइप में 3 टाइप के सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन दिया हुआ है तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है दीपक रोट मी अ लेटर, सेम इसी तरह के 2 सेंटेंस लिखने हैं, दीपक रोट मी अ लेटर। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस मैं बता देती हूँ, जैसे दीपक प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, ठीक है, या फिर माय टीचर टॉट मी इंग्लिश, इस तरह से आप उनको सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव केस वाला है, नीचे वोकेटिव केस है और नीचे केस इन अपोजिशन है। तो इस तरह से आपको सारे पूरा कंप्लीट पेज 18 पेज तक आपको अपना ही चैप्टर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।